ध्यान दीजिए प्लीज, आपको मालूम है हम क्या पढ़ रहे थे आपके सामने जनाब? हमारे इस नए सेक्शन का नाम था ग्राफ्स, मतलब सेक्शन तो ग्राफ्स एंड फंक्शन है, और इसमें जो हमारा नया टॉपिक चल रहा है, टॉपिक इस वक्त चल रहा था एल्जेब्रिक फंक्शंस। हमने जो आज का आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्ड किया है इस ग्राफ्स एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को लेकर, चैप्टर नंबर 1 जो है वो किस नाम का है या वो किस काम का है, उसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हम कहते थे सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस, दिस इज चैप्टर नंबर, आई डोंट नो इफ इट इज सेक्शन टू का चैप्टर नंबर 2.2। चैप्टर्स की नंबरिंग मुझे सही तरह से नहीं पता, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से चैप्टर की नंबरिंग कर रहा होगा, ठीक है। देखिए आज के इस टॉपिक में एल्जेब्रिक फंक्शंस, अब इसको समझाने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने कल के लेक्चर में आपको 4 फंक्शंस कराए हैं, बिल्कुल अभी भी स्टार्ट हुई क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको 4 फंक्शंस पढ़ाए थे, ठीक है। वो कौन से 4 फंक्शंस थे, जरा एक दफा क्विक रिव्यू सुन लीजिए। मैंने लीनियर, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस में लीनियर फंक्शन लिखवाया, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखवाया, क्यूबिक फंक्शन लिखवाया और रेसिप्रोकल फंक्शन लिखवाया। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई नया अनोखा काम नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ जहां जहां जो इक्वेशन होती है मैंने इक्वेशन के वाई को रिप्लेस कर दिया है बाय एफ ऑफ एक्स। एल्जेब्रिक फंक्शन बेसिकली एल्जेब्रिक इक्वेशन को ही कहते हैं। प्योर एल्जेब्रा में जिस चीज को एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, ग्राफिकल एल्जेब्रा में या ग्राफ्स में उस चीज को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। मेरे इस जुमले पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए प्लीज, मेरे इस जुमले के बारे में थोड़ा सा गौर फरमाइए कि मैं ये कह रहा हूं कि एल्जेब्रिक फंक्शन बेसिकली किस चीज को बोलते हैं? सर एल्जेब्रिक फंक्शंस बेसिकली एल्जेब्रिक इक्वेशंस को ही कहते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शंस एल्जेब्रिक इक्वेशंस को ही कहते हैं। मुसीबत सिर्फ ये होती है कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस का जो लफ्ज है इक्वेशंस का जो लफ्ज है ये है जी प्योर एल्जेब्रा का लफ्ज। किसका? सर ये प्योर एल्जेब्रा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो एल्जेब्रिक फंक्शंस का लफ्ज किस में इस्तेमाल होता है? किसी भी इक्वेशन को फंक्शन कहेंगे ग्राफ्स में। ग्राफ्स के सेक्शन में जब आप ग्राफ्स का टॉपिक पढ़ रहे होगे, ठीक है, जब आप ग्राफ्स का टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो ग्राफ्स में किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को एल्जेब्रिक फंक्शन कहा जाता है, नाम है बस, इतना फर्क है। अगर आप इस फर्क को थोड़ा सा ध्यान कर लें, दोबारा से सुनिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन का लफ्ज किधर इस्तेमाल होता है? सर ये प्योर एल्जेब्रा में इस्तेमाल होता है। और एल्जेब्रिक फंक्शन का लफ्ज किधर इस्तेमाल होता है? सर ये वाला जो लफ्ज है ग्राफ्स में इस्तेमाल होता है। फंक्शंस का लफ्ज ग्राफ्स में इस्तेमाल होता है। चीज बिल्कुल एक ही है, चीज में फर्क नहीं है भाई, ठीक है, बात में फर्क नहीं है, जस्ट उसको ना देखने में, उसको परसीव करने में, उसको समझने की थोड़ी सी डिफरेंस है। एक ही बात को आप क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक फंक्शन मैं समझता हूं बिल्कुल एक ही चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप प्योर एल्जेब्रा पढ़ रहे होंगे तो आप सिर्फ इक्वेशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जब आप ग्राफ्स पढ़ रहे होंगे तो उसी एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कह देंगे। सो एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन इज नोन एज एन एल्जेब्रिक फंक्शन इन ग्राफ्स। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं? मैं बोलना ही चाहता हूं आप एक साइड पे या पेज के हेडर पे या कहीं पे भी आप एक फैक्ट लिख दीजिए, क्या कि सर एल्जेब्रिक इक्वेशंस को एल्जेब्रिक फंक्शंस कहते हैं इन द सेक्शन ऑफ ग्राफ्स। जी क्या लिखा रहा हूं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक फंक्शंस
इन ग्राफ्स सेक्शन। जब आप देखो तो मैंने तीन अल्फाज को मिक्स किया है, कौन कौन से अल्फाज को? सर आप बात कर रहे हैं ग्राफ्स की, ग्राफ्स में जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनको हम एल्जेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये तीन आइडियाज मैंने एक जुमले में कनेक्ट कर दिए हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को, जो प्योर एल्जेब्र में जिसको सिर्फ आप इक्वेशन कहते हैं, उसको आप ग्राफ्स के चैप्टर में जाकर फंक्शन कह सकते हैं। आप बताइए आपको इस जुमले से एतराज है? व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि सर अलजेब्रिक इक्वेशन के y को रिप्लेस किया जाता है बाय व्हाट? y ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय f ऑफ x फॉर अ फंक्शन। इसको मैं एक और काम भी कर देता हूं, मैं इसके लिए एक और जुमला ले देता हूं। इफ व्हाट? इफ y इज रिप्लेस्ड, बल्कि इसका मतलब ही क्या है इस ऊपर वाले जुमले का मतलब है, दैट इज y इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? बाय f ऑफ x टू मेक क्या? टू कन्वर्ट एन इक्वेशन टू अ फंक्शन, टू कन्वर्ट, टू रिप्लेस एन इक्वेशन बाय अ फंक्शन, टू कन्वर्ट an equation into a function। जी, इस बात में किसी को परेशानी है? इस बात में किसी को परेशानी है कि हम क्या कह रहे हैं? y is replaced by f of x, ठीक है, y is replaced by f of x to convert an equation, to convert an equation into a function, to convert an equation into a function। अच्छा, मतलब अगर मैं कहूं y is equals to, आपके पास एक equation लिखी है ax plus b, ये क्या चीज है? सर ये है linear equation है, ठीक है। अगर आप y को replace कर दें by f of x is equals to ax plus b, तो बेटा इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये लीनियर फंक्शन है। तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि मैं ऊपर में क्या कह रहा था? बस y को रिप्लेस करना है f(x) से, y को बस रिप्लेस करना है f(x) से, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं y is equals to ax square plus bx plus c, what is it? इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मैं अगर y की जगह f of x लिख दूं और मैं कहूं it is something like ax square plus bx plus c, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं quadratic equation नहीं कहूंगा, इसको मैं quadratic function कहूंगा, इसको मैं quadratic function कहूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और equation लिखूं ax cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी, तो मैं इसको, आप एलजेब्रा में क्यूबिक इक्वेशन कहते थे, मैं इसको अभी अगर मैं इसको ग्राफ में डिस्कस करूंगा तो मैं इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को क्यूबिक इक्वेशन कहूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने इक्वेशन का लिखी थी एक वाई इज इक्वल टू वन ओवर ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इस तरह की किसी इक्वेशन को क्या कहता हूं, इफ आई से दिस इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, देन लेट मी टेल यू के सॉरी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक फंक्शन, ओके गलती हो गई, क्यूबिक फंक्शन। क्या बेटा? क्यूबिक फंक्शन, कोई प्रॉब्लम इस बात से? इसी तरह f of x is equal to 1 over ax plus b, इसको मैं क्या कहूंगा? रेसिप्रोकल फंक्शन। वैसे एक और एग्जांपल देने का दिल कर रहा है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है y is equal to a उसकी पावर x,
प्लीज आप बताएंगे किस तरह की इक्वेशन है, इसको आप ओ लेवल्स में कौन सी इक्वेशन कहते थे? इसको आप बताएंगे, इसको आप ओ लेवल्स में कौन सी इक्वेशन कहते थे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यस। इसको क्या कहा जाता था बेटा? सर इसको एक तरह से ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते थे, ठीक है जी। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते थे तो फिर मुझे एक बात बताइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा? इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लो जी, लो जी। तो मैं आज जो बात बिल्ड करना चाहता हूं वो ये है कि आपने कल फंक्शन के साथ कहा कि सर किसी भी इक्वेशन को या किसी भी फॉर्मूले को फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ठीक होगी बात, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसी बात को दोबारा रिफ्रेज ही कर रहा था, मैंने ऑलमोस्ट उसी बात को दोबारा से रिफ्रेज ही किया है, ठीक है। क्या चीज रिफ्रेज कर रहा था? यही कि जनाब व्हाट इज हैपनिंग, यू नो सर इसको करने का फायदा, जस्ट आस्किंग। अभी तो पुत्र स्टार्ट हुआ है, वो क्या कहते हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो मैंने एक लफ्ज लिखवाया है यार, अभी तो क्लास लिखवाया है। आपकी इतला के लिए अर्ज ये कर दूं, आपकी इतला के लिए अर्ज ये कर दूं कि फंक्शंस ही एक्चुअल में आपका एएस लेवल का सिलेबस है। फंक्शंस ही एक्चुअल में जब आप एंड करेंगे अपने इस एएस लेवल के सिलेबस को तो आपको फंक्शंस के लव्स का मास्टर होना है, ठीक है। आपको हर चीज को, बिकॉज यू नो फंक्शंस ने एलजेब्रा को ग्राफ्स में डिस्कस करना है, तो मैंने एलजेब्रा तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ग्राफ भी पढ़ाने हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी पढ़ाने हैं, ग्राफ की बहुत ज्यादा अप्रोच बिल्ड करनी है, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी तो मैंने एक सिंपल सा लफ्ज पढ़ा है कि एलजेब्रिक इक्वेशंस को आप एलजेब्रिक फंक्शंस कह दें। क्यों कह दें, क्यों कह दें? इसलिए कि सर आप ग्राफ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अगर प्योर एलजेब्रा पढ़ेंगे तो प्योर एलजेब्रा में ठीक है, एलजेब्रिक इक्वेशन को एलजेब्रिक इक्वेशन ही कहते हैं, और उसको y = something करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जी? उसको y = something करके लिखते हैं। लेकिन जब आप ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ्स में भी ये कॉन्सेप्ट चल सकता है, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ग्राफ में भी चल सकता है, लेकिन हम ज्यादातर ग्राफ्स में y एक्सिस को f ऑफ x की तरह से लिखेंगे, y को हम f ऑफ x की तरह से करने की कोशिश करेंगे। खैर डोंट वरी, मैं अभी इक्वेशन फंक्शन दोनों को मिलाकर ही पढ़ाऊंगा, मैं इक्वेशन को फंक्शन और फंक्शन को इक्वेशन ही कह रहा हूं, मैं एलजेब्रिक फंक्शन और एलजेब्रिक इक्वेशन दोनों को ऑलमोस्ट एक ही बात में कह रहा हूं। जिस इतना एहतियात होता है कि एलजेब्रा में इक्वेशन होती है जो चीज, उसको ग्राफ्स में जाके फंक्शन कह देते हैं, इससे ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है सर ऑलमोस्ट एक ही चीज हुई, क्या हुआ? मैक्सिमम, वाई को मैक्सिमम रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स से, और तो कुछ भी नहीं हुआ, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं आई ना। तब्दीली सिर्फ कितनी आई है? यू जस्ट रिप्लेस्ड वाई बाय एफ ऑफ एक्स, व्हाट वी जस्ट डिड इट वाज क्या जी? सर जी, वी जस्ट रिप्लेस्ड वाई बाय एफ ऑफ एक्स, दिस इज समथिंग न्यू। इफ यू सिंपली रिप्लेस वाई बाय एफ ऑफ एक्स, देन द इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू अ फंक्शन, देन द इक्वेशन बिकम्स, देन टू कन्वर्ट एन इक्वेशन इनटू अ फंक्शन। तो एक इक्वेशन को फंक्शन बनाने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन को फंक्शन बनाने के लिए, व्हाट जस्ट हैपेंस, वाई इज रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ एक्स, ओके। अब अगली बात, जो एक्चुअल बात है कि हमने करना क्या है, है जी। एलजेब्रिक फंक्शंस तो मैंने लिख दिया है, मेरा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस। लो जी, मैंने किस तरह से बात को बिल्ड किया, जरा दोबारा सुनिएगा प्लीज। देखिए, आपका सेक्शन नंबर 2 है ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ओके। इसमें इसको होना चाहिए था ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स एंड फंक्शंस में की बजाय इसका नाम है ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं अगले पेज पे जाकर दोबारा से हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। शायद आपने कल हेडिंग दी हो, क्या हेडिंग है जी हमारी इस वक्त? ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस, ये जी टॉपिक। आप यूं समझिए, जिसने भी थोड़ी देर पहले का अगर कुछ मिस कर लिया है तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दे, वो यहां से लिखना स्टार्ट कर दे, ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। ठीक है,
अभी जो ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, मैं एक चीज तो आपको 100% करा चुका हूँ, ठीक है? कौन सी चीज 100% करा चुका हूँ? नंबर वन, एल्जेब्रिक फंक्शंस में कौन सा फंक्शन आता है सबसे पहले? एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपने यहाँ पिछले पेज पे सबसे पहला कौन सा फंक्शन लिखा है, प्लीज आप मुझे बताएंगे? सबसे पहला कौन सा फंक्शन हमने लिखा है? लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब है मुझे आपको क्या सिखाना है? मुझे आपको सिखाना है ग्राफ ऑफ सबसे पहले नंबर पे ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ये टॉपिक है जी। और मैं इसके बारे में जो भी बोलूंगा, मैं बहुत हद तक उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, देखिए मुझे एक बात बताइए, ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में एक सेकेंड, लीनियर फंक्शन क्या चीज है? सर जी, ये जो लीनियर फंक्शन है, इट इज समथिंग लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक हो गया? ठीक हो गया। वट इज इट्स ग्राफ? सर जी, इट्स ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ये आ गया, और इसका ग्राफ जो है, व्हाट इज इट? इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज इट? इट्स ग्राफ, एक सेकेंड, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लो जी, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, ग्राफ में अगर आप कहें कि सर ग्राफ क्या होता है, तो मैं कहूंगा जनाब ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेन होता है, ठीक है? और उस रेक्टेंगुलर प्लेन पे ग्राफ में जो एक छोटी सी चीज की तब्दीली भी है, ग्राफ में जो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा, उस रेक्टेंगुलर प्लेन पे जो दो एक्सेस होंगे, उन दो एक्सेस में से एक जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक आपका वर्टिकल एक्सेस होगा, एक चीज की तब्दीली ये है कि सर हॉरिजॉन्टल एक्सेस को आप क्या कहेंगे? कहते तो आप उसको एक्स एक्सिस ही हैं, इट विल रिप्रेजेंट एक्स, ठीक है? वर्टिकल एक्सेस को कहते आप वाई एक्सेस हैं, लेकिन व्हाट विल दिस वाई डू? दिस वाई विल रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सर आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लीज आप बताएंगे बच्चों मेरी बात? वाई एक्सिस पे सर आप वाई नहीं, आप वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, होगा वो वाई के बराबरी होगा, वो इसका मतलब है होगा वो वाई के बराबरी। वाई एक्सिस पर आप एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें किसी को परेशानी है? तो इट जस्ट मीन्स कि सर वो जो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का कॉन्सेप्ट है, उसको आपने एफ ऑफ एक्स कर दिया, ठीक है? जो ग्राफ में रेक्टेंगुलर प्लेन होता है, उसमें जो दो एक्सेस होते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पर, दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ जी, ये थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? यहां तक आप किसी को, बल्कि आपको एक बात बताऊं, वाई एक्सिस पर आप वाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एफ एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बस ये जान लीजिए y is equal to fx, y axis पर जो y होता है, x को ऐसे लिख देते हैं, सर y axis पे होता तो y है, मान लिया, लेकिन आप उस y को कहते क्या है? सर आप उस y को हम कहते हैं f of x, लो जी, ऐसे लिख लो, x axis पे x होता है, वो x ही होता है, x is equal to x ही होता है, y axis पर जो y होता है, अब वो y नहीं है, अब वो y नहीं होगा, अब वो क्या होगा? सर y एक्सिस पर जो y होगा, अब आप उसका नाम तब्दील कर देंगे, अब आप उसका क्या नाम कर देंगे? अब आप उसका नाम जो है वो
क्या कर देंगे जी, एफ ऑफ एक्स कर देंगे, ठीक है। सो यू नो व्हाट, गौर से मेरी अब एक बात सुनिए कि सर ये जो आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखवाया है, क्या हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि सर ये जो एफ एक्स है, व्हाट इज दिस एफ एक्स, इफ आई से दिस एफ एक्स इज बेसिकली वाई, ओके, देन व्हाट इज दिस ए, देन व्हाट इज दिस ए, देन सर इट इज एम, देन व्हाट इज एक्स, सर एक्स इज एक्स प्लस व्हाट इज बी, दिस इज सी, देन लो जी, लो जी, लो जी, इसमें किसी को परेशानी है? इसमें जो आपका जो यू नो कौन है भाई, इसमें सर जो आपका x का कोफिशियंट है, द कोफिशियंट ऑफ x इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये जो कोफिशियंट ऑफ x है, इट इज द ग्रेडियंट एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो क्या आप यहां पे एक दो नोट लिखेंगे, द कोफिशियंट of x is the gradient of the line is the gradient of the line and the constant term is the y intercept, of the line. ये तो सब पढ़ा हुआ है जी बच्चों, प्लीज बताएं ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन सर हाँ, ये अब ना सिर्फ एक बात वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ अंदाज नया है, अंदाज भी वही है, अल्फाज नए हैं। लो जी, अंदाज भी वही है, अल्फाज नए हैं। जी भैया, यहां तक किसी को परेशानी है? अच्छा अच्छा, एक और चीज वो क्या है सर, इसका जरा ग्राफ बनवाए। ये लो जी, दिस इज वाई एक्सिस, this is x axis, this is y axis, जिसको आप क्या कहते हैं, y is equals to f of x, आप y लिखें, f x लिखें, आपकी मर्जी, ठीक है। लाइन कैसी लगानी है सर जी, लाइन में लगाता हूं जरा यूं करके, इसका ये कौन है सर, जो y इंटरसेप्ट होता है जिसको आप c बोलते हैं, इस वक्त c किसके बराबर है सर, ये c जो है ना ये b के बराबर है, मतलब जिस तरह से लिखने का तरीका है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, या तो ये c है या फिर ये b है, एम एक्स प्लस सी के हिसाब से सी है, ए एक्स प्लस बी के हिसाब से बी है। अच्छा, फिर ये क्या है सर, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, या तो वो जो ग्रेडियंट एम है वो ए के बराबर है, जिस तरह यहां मैंने बोला के अगर वाई एफ एक्स के बराबर है तो ये सी जो है वो बी के बराबर है, और ये जो एम जो है वो ए के बराबर है। तो कांट यू सी के अल्फाज बदले हैं सिर्फ, बात तो नहीं बदली, बात तो एग्जैक्टली वही है, x-axis है, आपने जस्ट क्या किया है, y-axis को आपने f of x लिख दिया है। अच्छा, तो फिर m की जगह आपने a लिख दिया होगा, फिर आपने b की जगह c, c की जगह b लिख दिया होगा, हैं? ठीक है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात वो समझ आ गई तो टॉपिक खत्म। जी मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप ये बताइए, क्या मैंने कल के लेक्चर में आपको डोमेन और रेंज के बारे में कोई बात बताई थी? क्या मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बात बताई थी? नहीं। चलो एक काम करो, छोटे मोटे दो कॉलम्स बनाते हैं, यहां पे लिखो जी डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन, और यहां लिखो रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। अब सुनो जरा, डोमेन पता है किसको बोलते हैं हम बेसिकली? डोमेन की मैं दोबारा डेफिनेशन लिखवा देता हूं, थोड़ी सी आपने गलत लिखी है। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज द, इट इज द सेट ऑफ all the possible values of x that can be input, that can be
दैट कैन बी इनपुट, इनपुट दैट कैन बी इनपुट इन टू द फंक्शन, दैट कैन बी द इनपुट ऑफ द फंक्शन, दैट कैन बी इनपुट ऑफ द फंक्शन. द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. मुझे बताइए आप x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं फंक्शन में. इस फंक्शन में आप x की जीरो पुट कर सकते हैं वैल्यू, मतलब यस और नो का जवाब देना आपने. हमें कोई रोकेगा x की जगह जीरो पुट करने से? नहीं सर. वन पुट करने से? नहीं. टू पुट करने से? कोई भी x की वैल्यू पुट करने से कोई प्रॉब्लम है? नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, जीरो भी पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं. अगर आप सब कुछ पुट कर सकते हैं तो प्लीज बताइए व्हाट इज डोमेन. डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. एंड लेट मी टेल यू दिस x बिलोंग्स टू क्या. क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हैं? क्या मैं कह सकता हूं डोमेन बिलोंग्स टू सुनो जी मैंने लिखना है ये, मेरे पास नीचे जगह नहीं, आप इसके नीचे जाते जाएंगे, आप नीचे जाते जाएंगे. क्या लिखवाना है? डोमेन belongs to all real numbers. जी domain belongs to all real numbers. अच्छा आखिरी जवाब, आखिरी लाइन, आखिरी जो लिखनी है वो बताइए. आखिरी जो मैं लाइन लिखने लगा हूँ ये domain मतलब possible values of x, belongs to का सिंबल होता है सर यूं करके e, थोड़ा सा यूं टेढ़ा मेढ़ा करके e, belongs to all real numbers के लिए. जी ऐसे जी क्या मैं ले सकता हूं डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. यहां तक किसी ने मुझसे सवाल पूछना है व्हाट इज मेंट बाय डोमेन. सर डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट कैन बी पुट इनटू द फंक्शन और इन दिस इक्वेशन दैट कैन बी इनपुट ऑफ द फंक्शन. कोई इम्पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? लीनियर में तो नहीं, क्वाड्रेटिक में शायद ऐसा कोई मसला आ जाए. देखेंगे आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या पता कोई ना कोई वैल्यू लीनियर के लिए कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है. लीनियर में x की जगह आप जो दिल में आए पुट कर दें. इसलिए मैंने क्या लिखा है x belongs to all real numbers. x की जगह जो दिल में आए वैल्यू पुट कर दें. x belongs to all real numbers. All and all real numbers. All and all real numbers. How did you write the symbol of all real numbers? देखिए x के लिए डोमेन के लिए तो सिंबल आ गया x. बिलोंग्स टू के लिए सिंबल आ गया छोटा टेढ़ा था स्टाइलिश सा ई. रियल नंबर्स के लिए डबल वर्टिकल लाइन वाला आर. प्लीज सिंबल्स जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह आपने भी लिखने हैं, उसी तरह आपने भी लिखने हैं. जी इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके अगर हम चलें व्हाट्स द सिंबल आफ्टर बिलोंग्स टू. बेटा डोमेन का आ गया x, बिलोंग्स टू आ गया ये वाला e, दिस e means belongs to, and what is this r, this capital R with two vertical lines, it is known as real numbers. तो x belongs to all real numbers, x belongs to all real numbers. Domain is all real numbers, the set of all the possible values of x, you know, the set of all the possible values of x. What is the set of all the possible values of x? यार ये क्यों हो गया? The set of all the possible values of x, आप x की जो दिल में आए वैल्यू पुट कर सकते हैं. हर x की वैल्यू उसके अंदर पुट की जा सकती है, किसी से आपको कोई नहीं रोकेगा. ठीक है, ठीक है, ओके. रेंज के ऊपर चलते हैं जरा. रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब क्या है जी बच्चों? प्लीज बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय रेंज. रेंज का मतलब होता है इट इज द सेट ऑफ, व्हाट इज इट, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई और एफ एक्स, वाई और एफ एक्स दैट कैन बी द
दैट कैन बी द आउटपुट, दैट कैन बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. जी क्या बोला मैंने, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, नहीं एक्स नहीं, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स, दैट कैन बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, दैट कैन बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. जी बताइए जनाब, रेंज के बारे में बताइए. ओ लवर्स वाले जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज दो मिनट का इंतजार करेंगे. रेंज होता है वाई की वैल्यू, रेंज होती है एफ एक्स की वैल्यू. आप देखें, आप मुझे एक बात बताएं, एफ एक्स के जो जवाब हैं इस ग्राफ को देख के बताएं, क्या वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस आपके जवाब में आ रहा है? क्या वाई की पॉजिटिव वैल्यूज जवाब आ रही है? बच्चों प्लीज बताइए, क्या वाई की या एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज जवाब में आ रही है? आ रही है ना, आ रही है ना. ओके, जब पॉजिटिव वैल्यूज जवाब में आ रही हैं, अच्छा क्या वाई की जीरो वैल्यू जवाब में आ रही है? क्या वाई की जीरो, ये वाली जीरो वाली वैल्यू जवाब में आ रही है? यस आ रही है. क्या वाई की नेगेटिव वैल्यूज भी जवाब में आ रही है? सर वो भी आ रही है. यू कैन सी के सर वाई की भी, वाई भी ऊपर वाला ग्राफ भी काउंट हो रहा है, नीचे वाला ग्राफ भी काउंट हो रहा है, जीरो भी काउंट हो रहा है. सो कैन आई से रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स? क्या मैं जीरो, हाउ, देखो ये जीरो नहीं, वाई की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर जीरो है, इसके बाद यहाँ वाई की वैल्यूज पॉजिटिव चल रही हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यूज नेगेटिव 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 चल रही हैं. ठीक, तो वाई की पॉजिटिव भी है, वाई की नेगेटिव भी है, वाई की जीरो भी है. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स? क्या आप ये कह सकते हैं कि सर जी रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स? अच्छा, अगर हम ये कह सकते हैं कि रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो प्लीज बताइए रेंज को रिप्रेजेंट कैसे करूं मैं? रेंज को या तो मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या फिर रेंज को मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स. जी तो भाई, ये जो आपके पास लीनियर फंक्शन होता है जिसको आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कहते हैं, इसके बारे में सब कुछ आपने पहले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था. इसके बारे में सब कुछ आपने पहले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था. मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको एक जुमला नया सिखाया. कौन सा? कि सर जी आप किसी भी इक्वेशन को जब ग्राफ्स के चैप्टर में डिस्कस करें तो आप उसको इक्वेशन से बेहतर है कि क्या बोल दें, इक्वेशन से बेहतर है कि क्या बोल दें? सर जी उसको फंक्शन बोल दें. सर उसमें वाई को किससे रिप्लेस कर दें? सर बेहतर है कि एफ एक्स से रिप्लेस कर दें. और सर कोई डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, अभी तो बड़ा आसान लग रहा है आपको, अभी तो आपको सब आसान लग रहा है क्योंकि आपने सब पिछले चैप्टर में कहां पढ़ा हुआ है सारा, ये लीनियर फंक्शन की सारी डिटेल, लीनियर इक्वेशन की सारी डिटेल, स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट, ये सारा कुछ आपने कहां पढ़ा हुआ है? सर ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ कर आए हैं. अच्छा, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए आपको सब ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो रहा था. हाँ, जब मैं कल आपको लिखवाऊंगा, क्या जब मैं आपको कल लिखवाऊंगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो फिर थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उसके ग्राफ की डिटेल हमने नहीं पढ़ी हुई. तो प्लीज एक काम कीजिए, नंबर वन पे तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, नंबर टू पे लिखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस. आपने भी पिछले पेज पे क्या पढ़ा, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, अगले पेज पे क्या पढ़ना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. जी जी तो भाई, जी जनाब, इसके बारे में मैंने आपको क्या करना है, मैं इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ाना चाहता.
हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है, हमें डिफरेंट दूसरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी मैंने क्या करना है, एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, बाबर सर क्लास में मौजूद है, सर बाबर आपको मैं यहाँ से को होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज जो भी बच्चे आते जाएंगे उनको जरा ऐड करते रहिएगा, ठीक है। चूंकि अभी मैंने यहाँ पे, कैन यू काइंडली शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकंड, ओके हियर यू गो, हियर यू गो जी। तो भाई मैं अभी एक काम करते हैं, आज मैंने मैथ्स थोड़ी सी पढ़ानी है, आज मैंने बस मैथ्स इतनी ही पढ़ानी थी, जहां तक ताल्लुक है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, वो मैं आज नहीं बल्कि कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है,